दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो क्या, या फिर रिलेटिव की शादी में, या ऑफिस का इंटरव्यू है? लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकते, क्योंकि इस साल की गर्मियों में टैनिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस चीज का सॉल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ इस होम रेमेडी के साथ, जिसके लिए आपको देने होंगे अपने मात्र सिर्फ 5 मिनट। तो राम राम दोस्तों, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, इस होम रेमेडी को ट्राई करने के बाद आपके फेस पे ग्लो अलग ही दिखेगा और आपके ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होने वाले। और वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले क्या एक एक्स्ट्रा चीज प्रेफर कर सकते हैं, तो एंड तक जरूर देखना। आज ही होम रेमेडी में हमारा हीरो रहने वाला है मुल्तानी मिट्टी और हीरोइन रहेगी बेसन। एक मिनट, ये तो थोड़े नाम सूट नहीं रहे। एक काम करते हैं, बेसन को हीरो बनाए थे और मुल्तानी मिट्टी को हीरोइन। सुनिए भाई, हीरोइन के बिना पिक्चर नहीं चलती और हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का याद होता है। अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स पे जो आपको यूज करने हैं होम रेमेडी के लिए। फर्स्ट है आपका मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही इजीली अवेलेबल है एंड बहुत ही सस्ती रहती है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर होती है ऑयल अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी, जिससे हमारे फेस से एक्सेस ऑयल रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड आपको यूज करना है 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन काफी सदियों से यूज होता रहा है इन इंडियन ट्रेडिशनल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में फॉर स्किन ब्राइटनिंग एंड इंस्टेंट ग्लो, बिकॉज उसके अंदर होती है एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज, जो हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। प्लस उसके साथ स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है एंड एक ओवरऑल ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। अब इसके अंदर अगर आप 1/2 टेबल स्पून कॉफी ऐड कर दो, जो कि रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को काफी डीपली क्लीन कर देगा। एंड इसमें अगर आप 1 चम्मच कर्ड ऐड कर दोगे ना, तो आप अपनी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कर दोगे और आपकी स्किन एकदम खुश हो जाएगी। जैसे हमने कल संतोष बिहार को कर दिया। संतोष बिहार पैशन पे तो एक फ्रीलांस ऑन फील्ड रिपोर्टर है, लेकिन कभी कभार अपने डैड की हेल्प करने के लिए मेरे घर के बाहर सब्जी वाली कार्ट पे भी खड़े होते हैं। अब इनका था एक जॉब इंटरव्यू न्यूज चैनल के लिए और इन्होंने मेरे से पूछा कि ये क्या कर सकते जिनसे उनकी पर्सनालिटी में ओवरऑल बढ़िया ग्लो आ जाए, तो मैंने उन्हें सजेस्ट करी ये होम रेमेडी। मिक्सचर को प्रिपेयर कर लिया और फिर एक पेस्ट तैयार हो गया। पेस्ट तो ब्रश की हेल्प से कैसे लगाना है हमने वो भी सिखाया संतोष भैया को। इस पेस्ट को आप अपने फेस और नेक दोनों पे यूज कर सकते हो। प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है और ध्यान रखते हैं बस एक चीज का, कि मुल्तानी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि उससे आपके फेस पे रिंकल्स पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। 5 मिनट वेट करते ही पहले थोड़ा सा फेस पे पानी मारना है एंड देन सर्कुलर मोशन में रब करना है, इससे आपके फेस के पोर्स डीपली क्लीन हो जाएंगे और ये ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को अच्छी तरह रिमूव करेगा। और जैसे ही मिक्सचर डेंसिटी थोड़ी सी पतली हो जाए, आप सिंपली नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं और वॉश करते ही आप देखोगे आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आ रहा होगा। ध्यान रहे इसके बाद एक मॉइस्चराइजर लाना ना भूलना, वरना ड्राई स्किन पे पिंपल होने चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक इंस्टेंट ग्लो संतोष भैया के फेस पे भी आ चुका था। इसके बाद हम संतोष भैया को एक आउटफिट भी सजेस्ट करते हैं और आप उनका फाइनल ओवरऑल लुक देख ही सकते हो। फेस पे ग्लो पहले से इतना ज्यादा आ चुका है, वो खुद भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। इस होम रेमेडी को आप हफ्ते में 1 बार ट्राई करें और मैं तो सजेस्ट करूँ किसी स्पेशल ओकेजन से पहले ही ट्राई करें। अब आपकी बारी है, इसको आप खुद से ट्राई करें एंड देखे इसके रिजल्ट। इट लिटरली 0 साइड इफेक्ट। ये मोस्ट इफेक्टिव एंड सबसे बेस्ट इंस्टेंट ग्लो फेस पैक है जो आप यूज कर सकते हो। सो ट्राई करना और मेरे को अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताना। भाई मैं कल से तुम्हारी वीडियो शूटिंग बंद कर दूंगा। अरे क्यों डायरेक्टर साहब, क्या हो गया यार? तुम्हारी हर बार की होगी है भाई, एटलीस्ट बता के तो जाओ ड्राई स्किन वाले ऑयली स्किन वाले क्या यूज कर सकते हैं। हाँ भाई देखो, ऑयली स्किन वाले प्रेफर कर सकते हैं रोज वाटर और ड्राई स्किन वाले ला सकते हैं हनी, क्योंकि वो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है।